हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉली ब्यूटी टिप्स। सर्दी का मौसम है और सर्दी में अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि बालों में डैंड्रफ बहुत हो जाता है, जिसकी वजह से बाल झड़ने भी शुरू हो जाते हैं और बाल रफ होने शुरू हो जाते हैं और सिर में जो है हमारे खारिश होने शुरू हो जाती है। तो आज मैं उसके लिए कुछ टिप्स देने जा रही हूँ, उम्मीद है आपको बहुत ही काम आएंगे। आप उनमें से जो भी आपको ईजी लगे उसी को यूज़ कर सकते हैं, आपको सारे टिप्स जो है बहुत ही बेनिफिशियल लगेंगे और उनके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास मेरी हर रेमेडी आराम से पहुंच सके और आप मेरी हर रेमेडी का फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए मैं आपको देती हूँ डैंड्रफ के कुछ टिप्स, तो जिसे आप ध्यान से सुने और उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। तो पहला टिप्स है मेरा, मैं आज आपको बना के नहीं दिखा रही हूँ, मैं सिर्फ आपको टिप्स दे रही हूँ, आप उसी हिसाब से बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, नारियल का तेल लेना है, एक कपूर की टिक्की को पीस ले अच्छे से, एक टिक्की को यानी 2 चम्मच तेल के अंदर आप पीस के डाल लें, उसे अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आपने अपने बालों की जड़ों में इस तेल को लगाना है और लगाने के 1 घंटा बाद आपने सिर को धो लेना है, तो आप देखेंगे कि आपकी जो डैंड्रफ है वो कितनी जल्दी खत्म होती है। बट आपने ये ध्यान रखना है कि तेल जो है वो जड़ों में लगे और ज़्यादा मसाज नहीं करनी, उससे हल्का हल्का हमने कॉटन से लगाना है तो कॉटन से या टिप से आप अपनी जड़ों में लगा सकते हैं। और कोशिश करें कि अगर आप उसे लगा के धूप में बैठें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे जो तेल है वो हमारी जड़ों में पूरी तरह से चला जाएगा। तो मेरा सेकेंड टिप है दही। आपने क्या करना है, आधा कटोरी दही लेना है, उस आधा कटोरी दही के अंदर आपने 1 एग व्हाइट डाल लेना है, उसके बाद आपने दोनों को मिक्स करके ऐसे ही अपने बालों के अंदर पूरी तरह से जड़ों में लगा लेना है और 1 घंटा 1.5 घंटा बीतने के बाद आप सिर को धो दे। आप ये ध्यान रखें कि जो पानी से आप धोएंगे वो पानी ना तो ज्यादा ठंडा होना चाहिए और ना ज्यादा गर्म होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म पानी से अगर आप सिर को धोते हैं तो भी आपके जो बाल हैं वो खुश्क हो जाते हैं, तो आपने गुनगुने पानी से सिर को धोना है। तीसरा टिप है मेरा आंवला, 4-5 आंवले लें, उसको बॉयल कर लें, तो उसका जो पानी होगा उस पानी के अंदर आपने संतरे के छिलक का पाउडर, मतलब कि संतरे के जो छिलक होते हैं उनको आप सुखा के पाउडर बना के एक डब्बी में रख लो, वो वैसे भी बहुत ही काम आता है हमारे चेहरे पे भी। मैं आगे आपको कई वीडियोस में बताऊंगी कि संतरे का छिलक कितना बेनिफिशियल होता है स्किन के लिए, तो उसके अंदर आप छिलके का पाउडर डाल लें और मिक्स कर लें उस पानी में। उस पानी में मिक्स करके आपने जैसे हम कंडीशनर करते हैं उसी तरह से आपने अपने बालों को शैम्पू करने के बाद उसे धो लेना है, उससे भी आपके जो डेंड्रफ है वो बहुत ही जल्दी खत्म होगी। मेरा 4th टिप है, शैम्पू करने के बाद 1 कप पानी के अंदर 1/4 कप आपने विनेगर मिला लेना है, व्हाइट विनेगर मिला लो या एप्पल विनेगर मिला लो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, वो मिला के उसको बालों में डाल देना है, तो 5 मिनट रखने के बाद आपने बालों को धो देना, तो आपके बाल बहुत अच्छे कंडीशनर भी हो जाएंगे और जो डेंड्रफ है वो भी बिल्कुल साफ हो जाएगी। मेरा 5th टिप है, बहुत ही इजी और बहुत ही बेनिफिशियल, ये अक्सर सबको घर में बहुत ही इजीली अवेलेबल होगा। 2 चम्मच नारियल का तेल है, उसमें 1 चम्मच आप नींबू का रस मिला लें, उसे आप अच्छे से मिक्स करके ऐसे ही बालों की जड़ों में लगा लें अच्छे से टिप्स के साथ, उसके बाद आप उसे 1-1.5 घंटा रहने दें। आप अगर हो सकता है तो हॉट टॉवल की स्टीम भी दे सकते हैं और अगर चाहें तो आप धूप में भी बैठ सकते हैं ताकि तेल जो है आपकी जड़ों में पूरी तरह से अच्छे से मर्ज हो जाए। अगर आप इसे करते हैं तो भी आपकी जो डैंड्रफ है वो बहुत जल्दी दूर होती है, ये समस्या बहुत जल्दी। मैंने आपको 5 टिप दिए हैं, 5ों के 5ों बहुत इजी हैं, ये सारे आपने नहीं करने कि आप सारे इकट्ठे कर रहे हो, आप इसमें से आपको जो सूटेबल लगे, जो आपको इजी लगे, जो आपके घर में सामान पड़ा हो उसे आप यूज़ करके अपनी डैंड्रफ को बहुत ही जल्दी कम से कम टाइम के अंदर आप डैंड्रफ को ख़त्म कर सकते हैं और आपके बाल जो है बहुत ही शाइनी, बहुत ही सिल्की, जब डैंड्रफ नहीं होगी तो आपके बाल वैसे ही बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये टिप्स कैसे लगे और आप इसे यूज़ ज़रूर करें, ज़रूर इस्तेमाल करें और मुझे बताएं कि आपको रिज़ल्ट कैसे लगे। उम्मीद है आपको ये रिजल्ट बहुत ही बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे और बहुत ज़्यादा काम आएंगे सर्दी के दिनों में। आज के लिए बस इतना ही, तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई रेमेडी के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।